आई लव यू बोला था इन्होंने। तो आपने क्या बोला जवाब में? आई लव यू टू बोला था। बोल दिया आपने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर मॉडल टाउन में, जहाँ मेरे पास एक बड़ी यूनिक सी कहानी है। कहानी ये है कि 22 साल की खूबसूरत लड़की ने 50 साल के घर आए इलेक्ट्रिशियन से मोहब्बत की शादी कर ली। कैसे ये मुमकिन हुआ, कैसे ये पॉसिबल हुआ, वो इन दोनों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मंसूर है। आप की उम्र क्या है? 50 साल। 50 साल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? साइमा। साइमा, मुझे बताएं आपकी एज कितनी है? 22 ईयर्स। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आप लोगों ने मोहब्बत की शादी की है, ये आपके घर आए थे बिजली का काम करने, पंखे वगैरह का काम करने, और आपने 22 साल के होते हुए 50 साल के शख्स से मोहब्बत की शादी कैसे कर ली? बस ये हमारे घर आए इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए। हमारी कुछ लाइट्स ख़राब थी और फ़ैन ख़राब थे, तो इनका चक्कर जो है ना वो एक दफ़ा नहीं लगा, 2-3 इनके चक्कर लग चुके थे। तो इन्होंने मुझे देखा और मैंने इनको देखा ये मुझे देखकर मुस्कुराए और फिर मैंने नज़रें नीचे कर ली। तो उसके बाद जब ये नेक्स्ट टाइम आए तो फिर इन्होंने मुझसे बात की कि आप मुझे पसंद हैं, और उसके बाद फिर मैंने अपनी मामा से बात की तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा डांटा। उन्होंने कहा तुम पागल हो रही हो, ये क्या बातें कर रही हो। तो मैं कुछ भी इस तरह से छुपाना नहीं चाहती थी, मैं कभी भी मैंने अपने पेरेंट्स से कभी भी कुछ नहीं छुपाया। तो फिर मैंने, मेरे जो पापा है ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो मेरी मामा ने मेरे पापा से बात की कि इस तरह से ना ये चीज़ है, तो उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ये हो ही नहीं सकता, ये पागलों वाली बातें कर रही है। तो फिर इन्होंने अपनी मदर को भेजा हमारे घर, रिश्ता लेकर आई वो, और इनकी सिस्टर्स भी आईं, सारी सिस्टर्स आ गई थी। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट किया, अबू को मनाया। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी झगड़े पड़े, काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टोरी है। लेकिन आप लोगों को मोहब्बत हो गई हुई थी? हाँ जी, मोहब्बत हो गई हुई थी और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी शादी भी हो गई है। क्या बात है नाज़रीन, ये देखें ये इलेक्ट्रिशियन। अच्छा आप मुझे बताएं, आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, मतलब पंखे ख़राब हो गए, लाइट्स ख़राब हो गई, ये लोगों के घर जाके करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही, ये मेरा ज़रिया मुआश है। अच्छा, मैं ये काम करता हूँ कि घरों में जाके लाइट ठीक करना और स्विच बोर्ड ठीक करना, मीटर वगैरह की तारें ख़राब हो जानी वो ठीक करनी, इस तरह के काम मैं करता हूँ, ये मेरा ज़रिया मुआश। आपने ये घरों की बत्तियाँ रोशन करते करते इनके दिमाग की बत्ती कैसे रोशन करें? इनको देख के मेरे दिल की बत्ती रोशन हो गई और फिर मैंने इनके दिमाग की बत्ती रोशन कर दी। क्या बात है, और आपस में मोहब्बत हो गई आप लोग? बिल्कुल, ये हमें आपस में। आपको भी कोई रास्ते में ऐसी तकलीफ आई रिश्तेदारों की बातें वगैरह? बिल्कुल, मतलब मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि यार तुम क्या कर रहे हो, वो बच्ची है, इस तरह से तुम्हारा एज डिफरेंस देखो, अपनी उम्र किसी की बंदी से शादी करो, लेकिन वो बस दिमाग में सुबह शाम। और ये सुन्नत भी है कोई? बिल्कुल ऐसे ही है, तो सुबह शाम इनका ही ख्याल और तकल्लुफ रहता था, तो बस फिर ठान ली थी। अच्छा, जब इनको आपका ख्याल रहता था तो आपको भी इनका ख्याल रहता था सुबह शाम? मुझे इतना ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि मोहब्बत तो पहले इनको मुझसे हुई थी ना, तो उसके बाद जैसे टाइम गुजरता गया और इन्होंने मुझसे कहा कि नहीं ये चीज़ इस तरह से, तो फिर मैं भी सोचना स्टार्ट कर दिया मैंने भी, तो फिर आपको भी ख्याल आने लगा? मुझे भी ख्याल आने लगा, चलने लगी मेरे ख्याल। हाँ जी, फिर ऐसे ही होता है। अच्छा, तो सबसे पहले इन्होंने प्रपोज़ करने के लिए आपने क्या 3 लफ्ज़ इनको बोले? मैंने इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, क्योंकि मैं कोई लड़कपन में तो था नहीं, मैंने बिल्कुल को साफ साफ कहा कि मुझे आप पसंद हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। तो उस वक्त इनका बड़ा अजीब सा रिएक्शन था, मैं समझ सकता था कि ये ऐसा रिएक्ट करेंगी, क्योंकि मेरा एज बहुत ज़्यादा थी मेरी तो, लेकिन फिर भी मैंने ठाना था कि मैंने इनसे बात ज़रूर करनी है और लाजमी करना है ना। बिल्कुल। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपकी चूँकि फैमिली में तो मुश्किल आईं, आपको क्या सहेलियाँ आपकी बातें करने लगी, घर आए बंदे से इसने मोहब्बत की शादी कर ली जो कि एक मज़दूर एक इलेक्ट्रिशियन था?
हाँ जी, मुझे काफ़ी ज़्यादा बातें हुई थी। इवन के जो मेरे नेबर्स थे उनमें भी, यानी कि कुछ आंटियाँ ऐसी थीं जो बातें काफ़ी कर रही थी कि ये अच्छी बात नहीं है, इस तरह से हो गया सारा कुछ। लेकिन मेरे ख्याल से मेहनत में अजमत है, हर इंसान जो भी मेहनत करता है वो अच्छा होता है। ये नहीं हमें कहना चाहिए कि इसका पेशा ये है और हम इस तरह से नहीं करेंगे। मतलब आप ये कह रही हैं पैसा दौलत नहीं देखनी चाहिए, अच्छा इंसान देखना। हाँ जी, अच्छा इंसान देखना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है इन्होंने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है। बेशक एज डिफरेंस है हमारा, लेकिन मैं आज इनके साथ बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रही हूँ। अच्छा, तो ये बताएं कि आपको आपको इन्होंने पहले क्या तीन लफ्ज़ बोले? आई लव यू बोला था इन्होंने। तो आपने क्या बोला जवाब में? आई लव यू टू बोला था। बोल दिया आपने। चलें जी, मुबारक हो फिर आपको और आपकी शादी की भी मुबारक हो। तो मुझे बताएं आपकी ज़िंदगी में इनके आने के बाद कितनी चेंजेस आई, बरकतें कितनी आई? मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा बरकतें और इतनी ज़्यादा चेंजेस आई कि मुझे जो काम है अब मैं इलेक्ट्रिशियन ही रह गया, मैं समझ लें एक तरह का सुपरवाइजर कॉन्ट्रैक्टर हो गया हूँ। अच्छा। मुझे अब मजीद कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, वो इन्हीं की बरकत से है सारा कुछ। शादी के बाद इतनी बरकत होती है, निकाह में इतनी बरकत, निकाह में इतनी ताकत और इतनी बरकत है कि मुझे अब वो जो इलेक्ट्रिशियन जो मैं कभी किसी के नीचे काम करता था, अल्लाह ताला का शुक्र है मेरे नीचे लेबर काम करती है, मैं उनको पैसे देता हूँ, पैसे देते हैं। नाज़रीन ये बरकत देखें कि निकाह करने से कितनी बरकत होती है। और मोहब्बत करके कुछ लोग धोखे देते हैं, फ्रॉड करते हैं, लालच के लिए बस रिश्ते, जो लालच की बिना पर रिश्ते रखते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? लालच की बिना पर जो रिश्ते रखते हैं ना, वो रिश्ते ज़्यादा देर चलते नहीं हैं। हमेशा आप रियल होकर चलें एक दूसरे के साथ, रिश्तों में मिलावट बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप आजकल तो वैसे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है कि जो लड़के लड़कियां हैं वो मतलब एक दूसरे से फ़ोन पे रबते करते हैं, लेकिन निकाह नहीं होता। तो इस निकाह को आपको आम बनाना चाहिए, निकाह करना चाहिए, अपने घर वालों से बात करें आप, और बग़ैर लालच के रिश्ता रखें, बग़ैर पैसा दौलत नहीं देखना चाहिए, नहीं देखने चाहिए। अगर आपके नसीब में है ना, तो अल्लाह पाक आपको ये हर तरह से आपको नवाजेगा। पैसा दौलत अगर आपकी किस्मत में होगी ना, तो वो अल्लाह पाक आपको हर तरह से नवाजेगा। और उम्र भी नहीं देखनी चाहिए? नहीं, उम्र भी नहीं देखनी चाहिए आपको। ऐसा इंसान देखना चाहिए जो आपसे प्यार और मोहब्बत करने वाला हो। इनकी सबसे अच्छी खूबी क्या है? केयरिंग बहुत है, बहुत है। और इनकी क्या सबसे अच्छी खूबी है? ये बहुत ज़्यादा ख्याल करती है। ये अगर मैं बीमार हो जाता हूँ, इतनी ज़्यादा खिदमत करती हैं, और ये मतलब लेटे बंदे को उठ के खड़ा करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है इनकी, बल्कि ये इसको मुझे पहले नंबर पे लेके आना चाहिए, इन्होंने मेरी गरीबी में मेरा साथ दिया है। वो कहते हैं कि औरत जो ना वो तब पता चलता है जब वो हालात ख़राब हो, तो साथ इन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। क्या बात, स्टार्टिंग के डेज। चलें जी, अल्लाह पाक आपको नज़र बद से बचाए। कभी आपने, चूँकि आप कमी हैं, बीवी का रिश्ता है, कभी आपने एक दूसरे को गाना सुनाया आपने इनको कभी ज़िंदगी में? नहीं, मैंने नहीं कभी सुनाया, ये मुझे सुनाते रहते हैं। और ये सुनाएंगे। चलें जी, क्या कौन सा गाना आप इनको डेडिकेट करते रहते हैं? मैं हमेशा इनको, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मेरे जहन में एक ही गाना आया था, वही आपसे वही गुनगुनाऊंगा आज भी। तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा। क्या बात है, क्या बात है। आखिर में कोई निकाह के हवाले से, निकाह को आम करने के हवाले से कोई मैसेज देंगे? बिल्कुल, निकाह को ही आसान करना चाहिए। निकाह अल्लाह ताला हमारे नबी को, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसी में ही सारी बरकत है। इसके अलावा कोई रिश्ता पाक नहीं है, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। और निकाह इंसान की ज़िंदगी बदल के रख देता है। नाज़रीन, ये थी कहानी मॉडल टाउन लाहौर की। आप मॉडल टाउन के ही रहती हैं आप लोग? जी हाँ, मॉडल टाउन में रहते हैं। मॉडल टाउन में रहते हैं, तो ये लाहौर की कहानी है। देख लें, इन्होंने एक दूसरे के, ये 22 साल के हैं, ये 50 साल के हैं, ये एक मज़दूर, एक इलेक्ट्रिशियन थे, इनके घर आए, इनको मोहब्बत हुई, मोहब्बत की, इन्होंने शादी की। अब इन्होंने अपना एक चैनल भी बना रखा है, उस चैनल का क्या नाम है वो इनसे जानते हैं। आपके चैनल का क्या नाम है? साइमा मंसूर व्लॉग्स। साइमा मंसूर व्लॉग, उस पे आप अपनी डेली लाइफ शेयर करते हैं? जी, डेली लाइफ शेयर करते हैं हम लोग। चलें जी, आप इनकी ज़िंदगी की कहानियाँ देखें, कैसे ये बल्ब ठीक करते हैं, कैसे ये इनको ठीक करती हैं, कैसे कैसे ये घर में, घर से बाहर जाते हैं, ट्रिप्स करते हैं, वो सब इनके चैनल पे। और चैनल का लिंक मैं कमेंट में पिन कर रहा हूँ, वहाँ जाएं और इनका चैनल लाजमी देखें। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की या कोई भी स्टोरी है और आप चाहते हैं हम आपकी आवाज़ बने, तो हमारे इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे और इनको इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।